आपको यकीन है फतह मियां साहब होंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। आज क्या हो रहा है? जो इतना डरपोक जो है ना, मैं तो चौधरी को बहादुर समझा था, वो तो इतना डरपोक निकला। ओए उसमें वो वोटिंग तो डलाओ, पता चले 200 शेर की है और 100 बल्ले की है और बल्ले के वो कह रहे हैं कि सारे चोर आज इकट्ठे हो रहे हैं। उनका क्या भाई चोर? मेरी बात सुन, चुत्ती चोर छाजो, ये तो तुम्हें बाद में पता चलेगा। ये जब ये उतरेंगे उसके बाद चोरों का पता चलेगा। चोर नहीं है, डाकू है, प्रेमलाई डाकू है और इमरान खान उससे बड़ा डाकू है। पाकिस्तान में जितनी करप्शन हुई है उसका साफ अब लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, मेरी बात सुने, आप सब लोग फड़ा हबीब के पीछे पड़े हुए हैं। फड़ा हबीब भाई वो तो है, उसके वो तो उसका जंटा है। अब भाई जी उसका जो हस्बैंड है वो तो मुस्लिम है, नून का भी है। तुम्हें किसने कह दिया? आपको देख ले, नहीं है उसका। आज मेरी बात सुनो, पहले था अब नहीं है। आपको वो करप्शन उनके अपनी बेगम को छोड़ा हुआ था उसने, लूट मार में डीसीओ की करप्शन, बड़े बड़े पटवारियों की करप्शन, हम तो जीत गए। सेरा बांध के चौधरी बलीकाला में शबाशी जाएगा इंशाल्लाह ताला। और परवेज पकड़ने के लिए मोनस लाई और परवेज लाई जब इमरान खान से बनी गाला मिलने गए तो पीरनी ने जादू चला दिया। वो आज एक सियासी खानदान था जलील हो गया, परवेज लाई का खानदान जलील हो गया। इमरान खान साहब ने अपने एक स्टेटमेंट में कहा है कि आप कोई भी करप्ट बंदा उठाएंगे उसके पीछे आपको मुस्लिम लीग नून का कोई बंदा नजर आएगा। करप्ट उसकी बहन है, हमको मेरी बात सिलाई मशीनों से खरबपति अरबपति कौन बनता है? बताए मुझे कौन बनेगा? ये तो बताए, हमने तो साफ दे लिया, मरियम ने भी साफ दे लिया, शबाशी ने भी, हमदा ने भी, वाशी ने भी, सबने साफ दे लिया। अब बारी आ गई इनों की, ये डाकुओं की, ये जो हमको चोर कहने वाले ये हरामी डाकू है। इमरान भागते हैं, नजर रखो एजेंसियों को, नजर रखे नसरत है, एनु नसल नहीं देना, एनु न्याजी नु नसल नहीं देना। इमरान खान ने अपने स्टेटमेंट में आज एक मैसेज पास किया, उन्होंने कहा अगर मैं चोर था तो मेरे साथ ये अकेला मुकाबला करते, तमाम टीमें इकट्ठी क्यों हो गई? हरामी तूने पहले सब इकट्ठे थे, तेरे साथ कौन था? तुम्हारे साथ जंसिया थी, तुम्हारे साथ वो जो बैठा हुआ मौलवी तेरू कादरी था, तुम्हारे साथ। और इंशाल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग के बब्बर शेरों ने और पाकिस्तान एजेंसी ने साबित करा दिया ये न्याजी दो नंबर आदमी है। और मगाजी देखे मेरी घास, मैं आपसे वो सवाल पूछूंगा जो खान साहब ने कहे, आप उनको जवाब दे दीजिएगा ताकि लोग निकल नहीं। मैं सिर्फ एक बात बता रहा हूँ, एक मिनट यार, मैं एक बात बताना चाहता हूँ दुनिया को, कई लोगों को पता है कईयों को नहीं पता। राणा सनाउल्ला एमएनए वजीर कानून, अब वो एमएनए है, वो सियासतदान हो गए, उसने हिरवन का काम करना था। बात सुन लें पहले, ये जिन लोगों को नहीं ना पता मैं उनको बता रहा हूँ, उनको पता होना चाहिए। इसने क्या कहा राणा सनाउल्ला ने, उसने ये कहा था ये हिरवन पीता है या हिरवन को स्नेह करता है, इसने सोचा, इसने मेरे ऊपर ये इल्जाम लगाया, इसके ऊपर पर्चा दे दो। और इसका नाम डाले, ये मुल्क से बाहर ना भागे, ये हम कह रहे हैं ये अभी भागने लगा है। ये दो दिन में देखो ये पंजाब सब लीग इंशाल्लाह दल डालता है, उसके बाद इसने भागना है, भागने नहीं देना ये डाकू को। पाकिस्तान का जो हाल किया आज, रोजे में क्या था, 5-4-6 रोजे में क्या था, उधर एक मिनट, उधर लैबैक वाले आदमी को कितना शहीद किया इन्होंने। उस टाइम तो ये कह रहा था मैंने नहीं उसको जाने देना, हमारे वो गोरों के साथ जो है ना, गोरों के साथ हमारे खराब हो गए। अब क्या हो गया?